एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अब बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह में आज 5 किताबें हैं और मैंने पुष्पा देख ली है, दाढ़ी नहीं है तो पुष्पा देखी जा सकती है, बढ़िया मसाला फिल्म है और टेक्नोलॉजी वगैरह भी अच्छी है, कीप्स यू इंगेज्ड। और मुझे कई लोगों ने कहा कि अरण्यक जरूर देखिए, तो अरण्यक को देखने की कोशिश होगी। इसके अलावा 5 किताबें हैं, इसमें मैंने 3.5 पढ़ ली हैं, बाकी पढ़ूंगा। एक ये पेंगुइन से आई है, द राइज ऑफ द बीजेपी द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। इसे बीजेपी के नेता है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने लिखा है। साथ में को राइटर हैं इला पटनायक, इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में। इस किताब को मैंने आधा पढ़ा है, कई दिलचस्प चीजें पता चली। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बार बार सुनते हैं कि 84 में बीजेपी के पास 2 सीटें थी, इस पे खूब बात होती है, लेकिन बीजेपी के पास 7.7% वोट था। इस आंकड़े पे कभी मेरा ध्यान नहीं गया। तो इसमें कई ऐसी चीजें हैं। 49 में कई आरएसएस के लोग थे जो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिख रहे थे कि क्यों आरएसएस को एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, जिसमें मलकानी थे, जिसमें बलराज मधोक थे। तो इस तरह की कई इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं और मैं कोशिश करूंगा जल्दी इस पे किताब वाला भी करें। दूसरी किताब जो मैं वन गो में पढ़ गया, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर मनोज वाजपेयी, उनके ऊपर ये किताब है, मनोज वाजपेयी कुछ पाने की जिद। इसे मेरे पत्रकार मित्र पीयूष पांडे ने लिखा है और 200 पन्ने की ये किताब, इसको भी पेंगुइन हिंदी ने छापा है और बहुत मजा आया पढ़ के, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं, उनकी तैयारियां, टू गुड, बहुत सारे आपको एनेक्डोट्स मिलेंगे। तीसरी किताब अशोक पांडे की है। अशोक पांडे कमाल के राइटर और अनुवादक हैं, इनकी सब किताबें आप खोज के पढ़िए। जो साथी मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, मैंने इसका जिक्र वहां भी किया, हिंद युग्म से इनका ये उपन्यास आया है लपू झन्ना, और बहुत कमाल की, बहुत मजेदार कहानी है, कवर भी दिलचस्प है और प्रथम पुरुष में लेखक अपने बारे में बात करता है और अपने दोस्त लपू झन्ना के बारे में, और वो जो एक अद्भुत दुनिया बयां की गई है रामनगर की, जिम कॉर्बेट के पास का ये कस्बा है। बहुत बहुत ही भाषा की समझ, कथानक को बखान करने की समझ, संवेदना की समझ सब आएगी आपको। चौथी किताब, इसको मैं जब अंग्रेजी में आई थी तब भी रेकमेंड कर चुका हूँ, इस पर भी किताब वाला करने कोशिश करूंगा, क्रिकेट का कॉमनवेल्थ। ये रामचंद्र गुहा की किताब है और इसे मेरे मित्र केतन ने इसका अनुवाद किया है। हार्पर से ये किताब आई है, हार्पर हिंदी से, 499 रुपए इसकी कीमत है। इसमें रामचंद्र गुहा के बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं जो उन्होंने अलग अलग क्रिकेटर्स के बारे में एसेज की शक्ल में लिखे हैं, जिसमें स्मृति है, नॉस्टैल्जिया है, एनालिसिस है, उनके साथ संवाद के मौके हैं। और इस तरह की क्रिकेट, इस तरह की किताबों की अच्छी चीज ये होती है कि आप जरूरी नहीं कि आप वन गो में सारी किताब पढ़ें, आप अलग अलग चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। 5वीं किताब जो है, इसे छापा है फिंगरप्रिंट पब्लिकेशन ने, ये मैंने पिछले लखनऊ प्रवास के दौरान खरीदी थी किताब, ये रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है, बिस्मिल की आत्मकथा, और ये बहुत दिलचस्प है। मेरी दिनचर्या तथा नियमों का पालन देखकर पहले ही सिपाही अपने गुरु से भी अधिक मेरा सम्मान करते थे। प्रत्येक पहरे का सिपाही देवता के समान मेरी पूजा करता था। किसी के बाल बच्चे को कष्ट होता तो हवन की भभूत ले जाता, कोई जंत्र मांगता, उनके विश्वास के कारण उन्हें आराम भी होता और श्रद्धा बढ़ जाती। परिणाम स्वरूप मैंने जेल से निकल जाने का पूरा प्रबंध कर लिया, मैं जिस समय चाहता चुपचाप निकल जाता। एक रात को तैयार होकर खड़ा हुआ, जैसे ही जेल से भागने का विचार करके उठा, ध्यान आया कि जिन पंडित चंपालाल की कृपा से सब प्रकार के आनंद भोगने की स्वतंत्रता जेल में प्राप्त हुई, उनके बुढ़ापे में जब थोड़ा सा समय उनकी पेंशन के लिए बाकी है, क्या उन्हीं के साथ विश्वासघात करके निकल भागूं। सोचा, जीवन भर किसी के साथ विश्वासघात ना किया तो अब भी नहीं करूंगा। ये बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। ये 5 किताबें हैं आपको समर्पित। आप भी बताएं कमेंट बॉक्स में कौन सी सीरीज देख रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। नेता नगरी का ये अंक यहाँ पर समाप्त होता है। शुक्रिया।